चक्र चिन्ह अर्पण जात अर्पात नहन जह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण शाह शाहान गणिज त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण तृण कहत तव सर्व नाम कथ कमन कर्म नाम वरणत सुमत दुकालं प्रणसी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते सदा अंग संगे अभंगं विभूते कोट पराद हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। आठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। सतगुरां दे महान पावन पवित्र चरण शो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद दा निगमान रही परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनता योग हो अमृत वेले दे दीवाना दियाँ हाजरियाँ भरदे होए रबी जस शरवण करके अपने जीवन सफला कर रहे हो। सत्कार योग ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब जी ने आप जी नूं पावन शब्द हुक्मनामे दे रूप में शरवण कराया है। पंचम पातशाह जी का यह पावन शब्द जिस दी विचार आपां सांझी करनी है गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी मेर करन अपनी मेरा दी छड़ी सिर ते रख के ते विचार सतगुरु आप करवा लैन। आओ शब्द दी विचार नाल जुड़न तो पहला मनवृत्तियां दी एकाग्रता वास्ते सारे मिलके रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी सतनाम वाहे गुरु जी। कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत पया।
रहाओ दी ए पंक्ति है जिस विच सारे शब्द का मेन आइडिया सारे शब्द की विचार रहाओ दी तुक तो अगे सारे शब्द दे विच उसकी व्याख्या की हुंदी है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी जिन्हां ने कृपा की वो कहिंदे ने संसार दे विच चार तरह के दुख ने जिन्हां तो मनुख जिहड़ा है वह बड़ा ही व्याकुल रहिंदा है। हर मनुख जिहड़ा है वह सुख की भाल विच हुंदा है। हर मनुख चाहुंदा है कि मैनूं सुख मिले, कोई किसी तरह का उपाव करता है, कोई किसी तरह का उपाव करता है ता कि सुख मिले, सुकून मिले, आत्मक शांति मिले। तो सतगुर कहिंदे ने चार तरह के दुख ने संसार विच, ते सब तो वड्डा दुख जिहड़ा उह विछोड़े का दुख है। मौत की गल सतगुरां ने कीती है अज दे शब्द विच, ते मौत तो बाद मनुख का विछोड़ा अपने सगे संबंधियों नालों पै जांदा है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सकत वार जमदूत। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी अमृत बाणी दे विच बख्शिश करते ने कि भाई सब तो वड्डा दुख जड़ा है वह विछोड़े का दुख है, ते दूसरा दुख है अंदर तृष्णा भुख, ते तीसरा दुख धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी कहिंदे ने मौत दा भय, ते चौथा इस पंज भूतक शरीर नूं जदों कोई रोग चंबड़ जांदा है। ये चार दुख ने जिन्हां तों हर एक मनुख परेशान रहिंदा है। सतगुरु पावन बाणी दे अंदर बख्शिश करदे ने दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सकत वार जमदूत, एक दुख रोग लगै तन धाए वैद न भोले दारू लाए। सतगुर कहिंदे ने भोले वैद तू केवल बाहर दे शरीर दे रोगां बारे जानकारी दे सकदा है। कोई भी वड्डे तो वड्डा डायग्नोसिस सेंटर जिहड़ा है, कोई भी बीमारियां दा पता करन वाला केवल शरीरक बीमारियां दा ही पता कर सकदा है। अंदर जिहड़ा रोग है उहदे वास्ते कोई थर्मामीटर नहीं बनिया हाले तक। गुरु नानक पातशाह महाराज जी का जीवन जदों आपां जन्म साखियां दे विच पढ़दे आ ना, गुरु नानक पातशाह महाराज सदा ही उस परम पिता परमात्मा दे नाम दे विच लिवलीन रहिंदे, सदा ही जुड़े रहिंदे। बचपन तो ही समाधि ला के बैठ जांदे सी कई कई घंटे। माता पिता नूं चिंता होई, आपां भी अपने घर विच छोटे बच्चे हुंदे आ बहुत शैतानियां करदे आ, किलकारियां मारदे, आपां डांटदे भी हाँ, पर जे किसे दिन कोई बच्चा चुप करके बैठ जावे वो रौला ना पावे तो आपां समझदे भी शायद बच्चे नूं कोई तकलीफ है, शायद बच्चा बीमार है। आपां उन्हूं पुछदे भी हाँ भी बच्चे की गल है, लगदा है अज शरीर तेरा ठीक नहीं है, की गल अज दौड़ा नहीं ला रहा, अज किलकारियां नहीं मार रहा, अज शैतानियां नहीं कर रहा। गुरु नानक पातशाह महाराज जी के माता पिता नूं भी इसे तरह चिंता होई कि किते बालक बीमार तो नहीं है, जो बोलता ही नहीं है, बहुत घट बोलता है। वैद बुलाया गया, नबज चैक की गई, वात पित्त दियां नाड़ियां चैक कीतियां गईयां पर कुछ भी रोग शरीर दे विच नहीं लब्भा। वैद बुलाया, वैद की पकड़ टंडोले बां, भोला वैद न जाने करक कले जे मां। गुरु नानक पातशाह महाराज कहन लगे ए वैद तू केवल बाहर दे रोग दस सकदा है, अंदर तीन रोग ने मनुख दे, एक अंदर दा विछोड़ा,
एक अंदर दी तृष्णा ते एक मौत दा पै, ये कोई वैद नहीं दस सकता। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने पावन बाणी दे अंदर अंदर दे विछोड़े दा जिक्र कीता है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देंदे ने सरोवर दा, सरोवर नकानक भरिया होया है, बड़ा निर्मल सुंदर जल है, वेखण वाला वेख के आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। निर्मल जल दे विच कमल फुल खिले हुए ने, सुगंधी दे रहे ने, सुगंधी लैण वास्ते भवरे भी मंडरा रहे ने, लागों दी लंघन वाला कोई भी राहगीर कुछ पल इस सरोवर दे कंडे जरूर बिताउणा चाहुंदा है, क्योंकि आकर्षण इन्ना है, निर्मलता इन्नी है, सुगंधी आ रही है, जल बड़ा निर्मल है, हर एक दा मन करदा है कि कंडे ते बैठिए। कुछ समय बाद धन गुरु नानक पातशाह महाराज जदों वापस आए तो की वेखदे ने कि सरोवर दा पानी काला हो गया है, कमल फुल जड़े ने वो सुक सड़ गए ने, उन्हां विच्चों बदबू आउणी शुरू हो गई है। जिथे भंवरे गुणगुनाहट करदे सी उत्थे अज मक्खियां ते मच्छरां ने थां मल लई है। गुरु नानक पातशाह महाराज वेख के ते उस सरोवर नूं एक सवाल कीता है, ते उस सवाल दे विच धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने मनुख दे अंदर दे विछोड़े दी व्याख्या कीती है कि मनुख नूं जदों अंदरों गुरु नालों रब नालों विछोड़ा पै जांदा है ना, उस वेले मनुख दी की हालत हो जांदी है। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कै दोखड़ै सड़यो है काली होइयां देहुरी, नानक मैं तन भंग। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सवाल कीता वे ए सरोवर तेरा जल बड़ा निर्मल सी, तेरे अंदर बड़ी खुशबू सी, कमल फुल खिले रहिंदे सी, अज की गल है कि तेरा शरीर तेरा जल काला हो गया है, तेरे अंदरों बदबू आनी शुरू हो गई है, भंवरे आने बंद हो गए ने, की कारण है? गुरु नानक पातशाह महाराज जी सरोवर बन के आप ही उसका उत्तर भी देंदे ने। धन गुरु नानक पातशाह महाराज, जाना पानी ना लहां जैसे ती मेरा संग। कहन लगा सरोवर के जिस झील दे विच्चों मैनू ताजे पानी दे सोमे मिलदे सी उहदे नालों मेरा संबंध टुट गया है, झील नालों संबंध टुटण दे कारण ही मेरी ये मंदी हालत हो गई है, कोई भी मेरे लागे बहण वास्ते खलोण वास्ते अज तैयार नहीं है। जाना पानी ना लहां जैसे ती मेरा संग, जित डिठै तन पर फुड़ै चढ़ै चवगण वन। कहन लगा जिस झील दे सोमे नाल मेरे अंदर ताजा पानी आउंदा सी उस झील नालों मेरा संबंध टुट गया है, जिस दे संबंध होण दे करके मेरे अंदर खेड़ा सी, मेरे अंदर सुंदरता सी, मेरे अंदर खुशबू सी, मेरे अंदर आकर्षण सी, लोकां नूं खिच के अपने कोल बिठाउण दा, वो सारा खत्म हो गया है, क्योंकि मैं सोमे नालों टुट गया है। ते व्याख्या सतगुरां ने धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने मनुख दे अंदर दे विछोड़े दी कीती है। ए मनुख जिहड़ा है ना, जदों पंज भूतक शरीर लैके इस धरती दे उत्ते जन्म लैंदा है ना, जदों उस वेले लिव लगी हुंदी है, माता दे उदर विच एवें रखिया नहीं हुंदी, माता के उदर में प्रतपाल करे किवें प्रतपालना हुंदी है, अंदर अगन है, इतनी अगन है कि कुछ भी खाइए सब नूं भस्म करी जांदी है, इतनी तेज अगन है पेट दे अंदर, फिर इतना कोमल शरीर है बालक दा, उहनूं कौन रख्या करदा है? उहदी लिव, उहदी परमात्मा दे नाल जुड़ी हुई सुरत, उह स्वास स्वास जप रहा हुंदा है सतनाम वाहिगुरु
सतनाम वाहिगुरु उहदी जुड़ी हुई लेव जदों शरीर पंज भूतक शरीर लैके संसार विच आउंदा है लिव जुड़ी होण दे करके उहदे उह सारिआं नूं प्यारा लगदा है। कोई भी छोटा बच्चा होवे हर एक बंदे नूं प्यारा लगदा है, हर एक बंदा उहनूं चुकणा भी चाहुंदा है, उहदे नाल प्यार भी करना चाहुंदा है, क्योंकि उहदे अंदर नाम दी खुशबू है। जिवें जिवें मनुख वड्डा हुंदा है संसारक धंदियां विच खचत हो जाता है माया मोह दे विच, इसे ही चीज़ की व्याख्या पंचम पातशाह जी ने अज दे शब्द विच कीती है। जिवें जिवें मनुख वड्डा हुंदा है तिवें तिवें लिव जिहड़ी है उह टुट जाती है। लिव छुड़की लगी तृष्णा, लिव छुट गई ते माया मोह दी तृष्णा जिहड़ी उह चंबड़ गई। सतगुर कहिंदे ने इह जिहड़ा मनुखी शरीर है ना ये भी एक सरोवर की तरह है, तो गुरु एक झील की तरह है जिथों ताज़ा पानी आउंदा है, जिथों पानी दे सोमे झरने वगदे ने जो मनुखी शरीर नूं तरोताज़ा रखदे ने, जो मनुखी शरीर नूं खुशबो मनुखी शरीर दे अंदर सुंदरता मन की सुंदरता बाहरली सुंदरता नहीं, बाहरली सुंदरता तो अपने आप ही आ जाती है, अंदरली सुंदरता भी गुरु नाल जुड़न वालियां दे विच अपने आप ही आ जाती है। जदों कोई अंदरों गुरु नाल जुड़ जाता है, पर जदों कोई टुट जाता है, सतगुरु कहिंदे ने जदों गुरु नालों कोई शरीर कोई मनुख टुट जाता है शरीर उही है जिस दे सामने खलो के लोग सजदा करदे सी, पर जदों गुरु नालों टुटिया उदों लोकां ने दरवाजे भी बंद कर ले। अंदर दे विछोड़े दी गल धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी करदे ने, सानू सारे जीवां नूं इह गल समझाउंदे ने कि भाई जिहड़ा अंदर दा विछोड़ा है ना इह सारिआं तों ज़्यादा दुखदाई है। विछोड़ा जिहड़ा है ना उह सब तों ज़्यादा चारे दुखां दे विच्चों सब तों ज़्यादा दुखदाई जिहड़ा है वह अंदर दा विछोड़ा है। दूसरा दुख है अंदर दी तृष्णा भुख, हुण भुख भी कई तरह की है, कोई भी मनुख इस गल दा दावा नहीं कर सकता, लिख के नहीं दे सकता भई मैं तृष्णा मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर पदार्थां दी भुख नहीं है। सतगुर कहिंदे ने कोई मनुख इस गल दा दावा करन दा समर्था नहीं रखदा। ते सतगुरु नाल ही कहिंदे ने कि ऐ मनुख तेरी जिहड़ी बेड़ी है ना उह समुंदर दे विच है, ते जे किसी की बेड़ी डुब रही है ना तो उस मनुख की दूसरे की डुबदी हुई बेड़ी नूं वेख के खुश ना हो, उसका मजाक ना उड़ा, क्योंकि हाले तेरी बेड़ी भी विच समुंदर दे तर रही है। पता नहीं कोई ऐसी लहर आवे ते तेरी इस किश्ती नूं पानी दे विच डुब के रख देवे। कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई। कबीर साहब पावन बाणी दे अंदर उपदेश देंदे ने कि ऐ मनुख चाहे कोई बंदा पदार्थां करके कंगाल है, धन करके गरीब है, कोई विद्या करके गरीब है, कोई गुणा करके गरीब है, इत्थों तक कि कोई गुरु नालों टुटिया है नाम नालों टुटिया है तां वी गरीब है, पर उसका मजाक ना उड़ाई। क्यों? कबीर गर्व ना कीजिए रंक ना हसीए कोई। अजहो सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। पता नहीं किस वेले की भाणा वरत जाना है, दूसरे दी डुबदी हुई बेड़ी नूं वेख के हसना मखौल ना कर, मजाक ना उड़ा किसे दा, क्योंकि तेनू अपनी बेड़ी दा भी हले कुछ भी पता नहीं। गुरु जानदा है, गुरु नूं पता है कि बेड़ी किवें पार लगनी है। तीन गुरु साहिबान साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच जिन्हां दी पावन अमृत बाणी है, उन्हां दे पिता उन्हां दे गुरता गद्दी बहण तों पहलां ही संसारक विछोड़ा दे के चले गए सी। जदों उन्हां ने घालना घाली
धन गुरु अंगद देव महाराज, धन गुरु अमरदास महाराज, धन गुरु रामदास महाराज, जदों तिना सतगुरां ने घालना घाली गुरु नानक की कृपा होई ते उन्हां दे पिता उन्हां दे नाम सदा वास्ते अमर हो गए, सदा वास्ते उजागर हो गए। उन्हां नूं नहीं सी पता कि साडे पुत्तर गुरु अंगद देव महाराज एक दिन ऐसी घालना घालणगे, गुरु नानक दी ऐसी मेहर होएगी, फेर वसाया फेरू आण सतगुर खाडूर, जप तप संजम नाल तुध होर मुच गरूर। कहिंदे ने जदों गुरु अंगद साहब महाराज भाई लहणा जी दी सेवा संपूर्ण होई, भगती संपूर्ण होई, गुरु नानक दी कृपा होई, ते बाबा फेरू जी दा नाम जुगो जुग अटल हो गया। धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पिता जी भी गुरता गद्दी ते बैठन तो पहला ही संसारक विछोड़ा दे गए सी। उन्हां नूं की पता सी कि तीर्थां ते यात्रा करन वाला मेरा पुत्र एक दिन इतनी महान अवस्था नूं प्राप्त होएगा, जिसनूं लोग निथावां कहिंदे सी, ओ निथावियां दा थां बन गया, ओ वड़े वड़े चक्रवर्ती राजियां दा राजा बन गया। भलो पुहाल ते जो तना नृपत नाथ नानक बर, पट साहबान दे पावन बचन कहिंदे ने भले कुल दे सिरमौर धन गुरु अमरदास महाराज जी बाबा तेज भान जी दे सपुत्र अज गुरु नानक दी कृपा दे नाल राजियां दे भी राजे बन गए ने, महाराजियां दे भी महाराजे बन गए ने। ते गुरु रामदास महाराज जी की उम्र है केवल 7 साल, 7 साल की उम्र दे विच पिता संसारक विछोड़ा दे के चले गए। उन्हां नूं नहीं सी पता कि मेरा पुत्र गुरु नानक की कृपा का पात्र बनेगा। जदों कृपा दे लोक मखौल भी करदे होणगे, छोटी जी उम्र का बालक छोटी जी दुकान ला के छाबड़ी ला के घुंगणियां वेचदा, गुरु नानक की नज़र सवली होई है। कव कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर भरे, गुरु नानक की मेहर होई है। गुरु रामदास महाराज जी अज खाली सरोवरां नूं भरन वाले बन गए ने, ते अज उन्हां दे अमृत सरोवर दे विच करोड़ां ही दुनिया इशनान करन वास्ते दौड़ा ला ला के पहुँचदी है। देशां विदेशां तों तांग बनी रहिंदी है कि जदों भी किते हिंदुस्तान विच पहुँचांगे गुरु रामदास महाराज जी दे सरोवर विच जा के जरूर इशनान करना है। कैसी बख्शिश है गुरु नानक पातशाह महाराज जी दी। सतगुरु कहिंदे ने जदों शब्द अंदर वस जांदा है ना, फिर अंदर व्याकुलता अंदर दी बेबलता वध जांदी है कि हे सतगुरु हुण कृपा करो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास, आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। कहिंदे ने हुण तू कृपा कर, जिथे नाम बाणी दे नाल जोड़िया ही, जिथे शब्द टिकाया ही, हुण अपने दर्शनां दी भी बख्शिश कर। ते अज मौत दे किनारे बैठे ने, एक पासे मौत दा इंतजार है ते दूसरे पासे नीले दे शाह सवार धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा इंतजार है। पता नहीं है कि मौत पहला आएगी कि दसम पातशाह पहला आके दर्शन देंगे। मन दे अंदर बेबलता व्याकुलता बड़ी है कि गुरु साहब स्वास निकलन तो पहला दीदार जरूर दे देन। ते कलगियां वाले पातशाह आनंदपुर की नगरी दे विच विराजमान ने, आनंदपुर के किले नूं घेरा पिया होया है, कई महीने हो गए ने, दुश्मनां ने कसमां खादियां, गुरु साहब ने आनंदपुर का किला छड़ दिता है।
ते किला छड़ दिया सारी दुश्मना ने अपनिया कसमां तोड़ दित्तियां। कुरान दियां कसमां, मंदरां दियां कसमां, गऊ दियां कसमां सब झूठियां साबत हो गईयां। ते गुरु साहब दे उत्ते हमला बोल दिता। गुरु साहब सरसा पार करदे होए परिवार तीन हिस्सों के विच वंडिया गया। छोटे साहबजादे माता गुजरी जी अलग सरहंद पहुँच गए ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, पंज प्यारे चमकौर ने रोक लए ने। चमकौर की गड़ी विच जंग होई है। दोनों छोटे साहबजादे वड्डे दोनों वड्डे साहबजादे शहीद होए ने। गुरु साहब अगे चले ने। अगे चल के छोटे साहबजादियां दी शहादत, माता गुजरी जी दी शहादत दा भी पता चलिया। गुरु साहब अकाल पुरख दी रजा दे विच राजी ने, अकाल पुरख दे शुकराने दे विच जुड़े हुए ने। जवान तो वाहिगुरु 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 दा सिमरन, अकाल पुरख दा शुकराना, ते शुकराना करन दी जाच सानू सिखां नू भी सिखाउंदे ने। ते इधर चबाल दे विच, चबाल दे चौधरी भाग सिंह चबालिया, ते ओ बेदावीए सिंह जो बेदावा दे के आ गए सी, जदों उन्हां नू पता लगा गुरु साहब दा सारा परिवार ही शहीद हो गया है, मन ने अपने आप नू त्रिकार पाई है। भाई महा सिंह, भाई राय सिंह सारिया ने आपस में विचार कीती है कि आ साडे जीवन नू त्रिकार है। गुरु साडे वास्ते इतने बलिदान दे रहा है, माई भाग कौर भी नाल ने, ते सारिया ने विचार बनाई है कि हुण गुरु साहब दे कोल जाके, ते चबाल दे चौधरी भी नाल तुरे ने। गुरु साहब नू रामे आले दे लागे आके मिले ने। उत्थों अगे सतगुरु खदराणे दी ढाब वल चले जांदे ने, आके मत्था टेकिया शरदा नाल। हुण जिहड़े ये चबाल दे चौधरी ने ना, ये आके कहण लगे गुरु साहब असी तुहानूं एक बेनती करनी, एक मशवरा देना है। गुरु साहब खामोश सुनदे रहे, मत्था टेकिया, कहण लगे बहुत हो गया है, हुण तुसी आराम नाल बैठ जाओ। असी लाहौर दे नाल साडी बड़ी गलबात है, असी लाहौर दे नाल लाहौर सरकार नाल तुहाडी गलबात करा देंगे, तुसी गुरु बन के बैठो, असी सिख बन के तुहाडी पूजा करांगे। गुरु साहब दसम पातशाह पुछण लगे कुछ होर भी कहना है, कहण लगे बस इन्ना ही कहना है कि तुसी हुण जंग युद्धां दा काम जिहड़ा वो छड्ड दिओ, गुरु बन के बैठ जाओ, लाहौर दरबार दे नाल तुहाडी असी सुलह करा देंगे। कित्थे घरों कुछ होर सोच के आए सी, पर अज भी जिहड़े चौधरी हुंदे ना घरों कुछ होर सोच के आउंदे, जदों अगे पहुंचदे उदों कुछ होर ही कर देंदे। गुरु साहब कहण लगे तुसी सिख बन के आए हो कि उस्ताद बन के आए हो? अज भी लोग गुरु नूं सलामां देंदे ने, पर सलामां देण दा तरीका बदल गया है। कहिंदे ने जे दसवें पातशाह अमृत ना छकाउंदे ते सारी सिख सारी सारा संसार ही सिख हुंदा। होर सलामां देंदे ने भी जे गुरु साहब ककार ना देंदे ते सारा संसार ही सिख हुंदा। सलामां देण दा तरीका बदल गया, पर आपां गुरु नूं सलामां देण तों हाले भी नहीं टलदे। गुरु साहब कहण लगे सिख बन के आए हो कि मेरे उस्ताद बन के आए हो, मैनूं सलामां देण आए हो? सतगुर कहण लगे बाणी पढ़दे हो, गुर के ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सद त्यावै, मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के कारज रास। गुरु साहब कहण लगे सिखो, जे तुसी सिखो ते बाणी पढ़दे हो ते फिर तुहानू शब्द याद होना चाहिए है। हस्ती सिर ज्यों अंकश है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊ भी सेव करे। फिर तुहानू ये भी शब्द जरूर याद होना चाहिए है। गुरु के सिखो सो सिख, सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवै
अपने भाणे जो चले भाई विछुड़ चोटा खावे। रतन सिंह भंगू प्राचीन पंथ प्रकाश दे विच ये सारी जो चर्चा धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल होई है उन्होंने लिखिया है। दसम पातशाह कहन लगे कि ऐ चौधरीओ उस दिन तुसी किथे गए सी, उस दिन तुहाडी लाहौर दरबार दे नाल जान पछाण किथे गई सी जदों पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं तत्ती तवी दे उत्ते बिठा के शहीद कर दिता गया सी। उस दिन तुहाडी जान पछाण सरकार नाल किथे गई सी जिस दिन छोटे साहबजादे नीहां दे विच चिण के शहीद किए गए, माता गुजरी जी शहीद किए गए जिस दिन भुखण भाणे सिंघां ने चमकौर की गड़ी विच शहादत पाई, उस दिन तुहाडी लाहौर दरबार सरकार नाल जानकारी किथे गई सी। मैनू सलाहां देण वालेओ तुसी अपनियां सलाहां अपने कोल रखो, क्योंकि गुरु कोलों सलाह लई दी है, गुरु नूं सलाह दई दी नहीं। गुरु दे बचन सुनी दे आ, गुरु नूं बचन सुनाउण नहीं आई दा, गुरु नूं सलाह नहीं देण आई दी, गुरु कोलों ते सलाह मंगी दी है, गुरु दी ते गल मन्नी दी है। गुरु कोलों अपनी गल नहीं मनाउणी, गुरु दी गल मननी है, गुरु दा हुक्म तुसी मनना है। गुरु साहब इतनी गल कह के अगे चले गए, खिदराने की ढाब उच्ची टिब्बी उत्ते बह गए ने, पिछों वजीर खां वाहोदाई चलिया आ रहा है। भाई महा सिंह, भाई राय सिंह, माई भाग कौर इन्होंने खंडे नाल लकीर खिंच दिती है बई आओ जेडे गुरु दे उत्ते विश्वास भरोसा रख देना वो लकीर टप के अगे आ जाओ, जिन्हां नूं गुरु ते भरोसा नहीं वापस मुड़ जाओ। कुछ वापस मुड़ गए चौधरी, कुछ अगे आ वधे ने, खिदराने दी ढाब ते जम के लड़ाई होई है, वजीर खां नूं रोकी रख्या है, करीबन सारे सिंह शहीद हो गए ने। भाई महा सिंह दे स्वास चलदे ने, दसम पातशाह टिब्बी तों उतरे ने, शाम होई है, जंग खत्म हुई है, वजीर खां वापस मुड़ गया है। गुरु साहब आए ने ते एक एक सिंह नूं वेख के प्यार करदे ने। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने लिखिया है कि जेड़ा 10 कदम अगे होके वधदा सी उहनूं 10,000 दा खिताब दिता जांदा सी। गुरु साहब एक एक सिंह नूं खिताब दे रहे ने, मेरा 10,000, मेरा 20,000, मेरा 30,000, मेरा दिल्ली का सम्राट, मेरा लाहौर का राजा। इस तरह सतगुरु जी खिताब देंदे हुए भाई महा सिंह दे सीस नूं गोदी विच रख्या है, सारा शरीर खून दे नाल लथपथ है, अपने गल दे परने नाल मूँह साफ कीता है। थोड़ी देर बाद नेत्र खोले ने, प्रिंसीपल गंगा सिंह जी लिखते ने कि गुरु साहब ने उस वेले एक सवाल किया सी कि भाई महा सिंह सूर बीरां दी जगह कर्म खंड है कि सच खंड, तिथ है होर ना कोई होर, तिथ है जोध महाबल सूर, तिन मैं राम रहा भरपूर। सतगुरु ने पूछया भाई महा सिंह सच खंड के दरवाजे बंद आ के खुले आ? भाई महा सिंह कहन लगे सतगुरु दरवाजे ते खुले आ, पर एक फट्टी लटकी हुई है बूए दे नाल बेदावे वाली, आप कृपा करो ते ए जड़ा बेदावे वाली फट्टी है ना, ए जड़ा मनहूस कागज है बेदावे वाला, इनू पाड़ दिओ। गुरु साहब ने कमर कस्से विचों कागज कढ़िया, छोटे छोटे टुकड़े करके हवा दे विच उड़ा दिते, भाई महा सिंह नूं घुट के छाती नाल लाया। भाई महा सिंह दी शहादत हो गई। भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनियां वारां दे विच इस गल दा जिक्र कीता है कि गुरु साहब सदा ही बख्शिंद है, चाहे सिख जिन्ना मर्जी भटक जावे जदों वो वापस परतेगा ना तो गुरु उन्हूं अपनी छाती नाल जरूर ला लैंदा है। भाई गुरदास जी ने
बड़ा सुंदर उदाहरण अपन वारा देता है। 13वीं वार दे भाई गुरदास जी कहते हैं समुद्र नकानक भरिया होया, उन्होंने एक रोड़ा चुकया तो समुद्र पानी सुटिया, रोड़ा डुब गया। एक किल चुकी वो पानी सुटी, वह भी डुब गई। पिछों मणा दे हिसाब नाल भारी लकड़ आई है, वह तरदी हुई आ रही है। भाई गुरदास जी ने पानी नूं सवाल किया है कि यह पानी तू छोटे जे टुकड़े लोहे दे नूं भी डोब दिता है, छोटा जा पत्थर भी डोब दिता है, पर यह टना दे हिसाब नाल भारी लकड़ जिहड़ी है ये तेरे विच क्यों नहीं डोब रही, इहनूं तू क्यों नहीं डोब रहा। ते पानी ने पता की जवाब दिता, कहन लगा इहनूं मैं बूंद बूंद पानी दे के सिंजिया इस लकड़ नूं, जिस नूं मैं पालिया है इस पाले हुए नूं मैं डोब नहीं सकदा, यह जिस मर्जी रूप विच आ जावे मैं इहनूं हमेशा तारांगा। ते भाई साहब ने जो अंदरूनी भाव दस्या है कि गुरु साहब ने जिस सिख नूं छाती नाल ला के अमृत की दात दिती है, गुरु साहब उस सिख नूं डुबण नहीं देणगे। जिस सिख नूं गुरु साहब ने अपनी गोदी विच बिठा के सुखमनी साहब दे पाठ करवाए ने, गुरु साहब उन्हूं कदी डुबण नहीं देणगे। दूसरा सवाल भाई गुरदास जी ने किया है कि जदों लकड़ी चीर के किश्ती नाव बन जाती है, उहदे विच सैकड़े किल ठोके हुंदे ने, उहदे विच मणा मूई लोहा होर कोई भी डुबण वाला पदार्थ किश्ती विच रखिया जांदा है, ए पानी तू उहनूं तार देना है, की कारण है। कहण लगा मेरे जो मेरा बनिया होया है ना, उहदे नाल जुड़ के जो भी आएगा मैं उहनूं भी तार देंगा। अज भाई महा सिंह मेरे ने जे ये कहणगे भी चबाली चबालीए चौधरियां नूं भी तार दिओ, उहनां नूं भी बख्श दिओ, मैं उहनां नूं भी बख्श देंगा जे भाई महा सिंह जी कह देणगे। ते तीसरा सवाल किया भाई लकड़ी दे विच ते अग है, पानी ते अग बड़े विरोधी तत् ने। कहन लगे भाई गुरदास जी यह पानी लकड़ी दे विच तेरा विरोधी तत् है, फिर भी तू लकड़ी नूं नहीं डोबदा। कहन लगा जिहड़ा मेरा पालिया होया ना उहदे विच जिन्ने मर्जी विरोधी तत् होण, फिर भी मैं उहनूं डोब नहीं सकदा, मैं उहनूं सदा ही तारांगा। ते इसे तरह गुरु साहिबान गुरु के सिख विच चाहे काम क्रोध लोह मोह हंकार दीआं कई तरह दीआं अग्गां ने, पर गुरु साहब कहिंदे ने ऐ सिखा जदों तू निमाणा हो के गुरु दे चरणां विच आ जाएगा ना, गुरु उस वेले तेरे विरोधी तत्तां नूं नहीं वेखेगा, तेरी होमै नूं तेरी मैं मेरी नूं नहीं वेखेगा, केवल तेरे अंदर दी भावना नूं वेखेगा ते तेनूं तार देगा। चौथा सवाल भाई गुरदास जी ने किया पानी नूं, कहण लगा कहण लगे भाई साहब जी कि ए पानी चंदन भी ते तेरा पालिया होया, उस दी लकड़ पानी विच क्यों तू डोब देना है। ते उस वेले पानी ने जवाब दिता कि मैं चंदन की कीमत पवाउण वास्ते चंदन नूं पानी विच अपने विच डोब देना ताकि इहदी कीमत पै जावे, क्योंकि असली चंदन की जिहड़ी लकड़ी हुंदी है उह पानी विच डुब जांदी है। पानी विच सुट्टांगे असली चंदन है, ये असली चंदन की पछाण है, असली चंदन की लकड़ पानी विच सुट्टिया वह डुब जांदी है। इसे तरह सतगुर कहिंदे ने आ जिहड़े मेरे शहीद सिंह ने ना जिन्हां ने खोपरियां लुहाईयां बंद बंद कटवाए सीस उत्ते आरे चिरवाए, उन्हां नूं किते ऐ ना समझ लैणा कि उन्हां दी शहादत हो गई है, उन्हां नूं शरीरक तकलीफां होईयां ने। गुरु साहब कहिंदे ये उन्हां दी उच्ची आत्मक अवस्था दी परख है जिहदे नाल संसार उन्हां दा सदा वास्ते ऋणी हो जांदा है, सारा संसार उन्हां दे सामने सदा वास्ते झुक जांदा है, नतमस्तक हुंदा जां आपां जितने भी साडे शहीद ने उन्हां वास्ते सदा ही झुकदे हां, उन्हां नूं सदा ही नमस्कारां करदे हां, सदा ही शहीदां दे दिन असीं मनाउने हां। कारण की है कि गुरु चरणां दे नाल इतने जुड़े कि जिवें चंदन दी लकड़ पानी विच डुब जांदी है उहदी कीमत पैंदी है, इसे तरह शहादत दे के उन्हां दे अंदर दी शुद्धता जिहड़ी है वह बाहर प्रगट हो जाती है।
दसम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बख्श दिता है उन्हां बेदावियां नूं। पर गुरु साहब कहिंदे ने अज ते असीं मूंह दे उत्ते बेदावा लिखाई फिरदे आं। जदों कोई केस कतल करा देंदा है ना ते भाई साहब कहिंदे ने कि उन्हां ने ते कागज दे उत्ते बेदावा लिखिया सी, ऐ सिखा तू सिर मूंह मना के ते फिर कहिंदा मैं गुरु का सिख आ, तू ते अपने मूंह दे उत्ते बेदावा लिखी फिरदा है। जाग जा, जागृत हो, सुचेत हो ते गुरु दी शरणी टै पै। जदों गुरु गुरु दी शरण विच तू आ जावेंगा, गुरु इतना बख्शिंद है, गुरु इतना महान है कि वह तेरे पिछले औगण जिहड़े उन्हां नूं खिमा कर देगा, तेनू अपनी छाती दे नाल ला लेगा, तेरियां भुल्लां नूं नहीं चितारेगा। तू जाग पौ मोह माया दी नींदर दे विच्चों ते जाग के गुरु वाला बन जा, गुरु चरणां दे विच जुड़ जा। पावन शब्द रामकली महला पंजवां, कौन मूआ रे कौन मूआ। गुरु साहब कहिंदे ने जीव आत्मा जिहड़ी है वह कदी भी नहीं मरदी। ये एक अटल सच्चाई है कि जीव आत्मा जिहड़ा है वह कदी भी नहीं मरदा। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत भया। सतगुर कहिंदे ने जिहड़े गुरु नाल जुड़े हुए ने ना, जिहड़े परमात्मा दे नाल जुड़े हुए मनुख ने, जिन्हां ने गुरु की कृपा हासिल कर ली है, उन्हां दे नाल ये गल का विचार करके वेख लो, ये जिहड़ा जीवात्मा ये कदी नहीं मरदा। ये तो एक संसार की परमात्मा ने एक खेड रचाई हुई है, पवन है मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी समझा रहे ने, भाई आपां ये समझ लैने जदों कोई प्राणी संसार तो चलायमान हुंदा ना, आपां समझदे भी ये मर गया है, पर सतगुरु कहिंदे ने नहीं मरिया। पवन जिहड़ी जिहड़े साडे स्वास ने वह हवा दे विच समा जांदे ने, पवन है मैं पवन समाया, स्वास जिहड़े ने वह हवा दे विच समा जांदे ने, ज्योति मैं ज्योत रल जाया। जिहड़ा साडा जीव आत्मा है ना, ये परम ज्योत अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल रल जांदा है। माटी माटी होई एक, जिहड़ी शरीर की मिट्टी है ना, क्योंकि पंजां तत्तां का शरीर बनया, जिहड़ी शरीर की मिट्टी है वह जमीन की धरती की मिट्टी दे नाल मिट्टी हो जाती है। रोवन हारे की कवन टेक, पंजे तत्त जिहड़े ने पानी पानी विच मिल गया, हवा हवा विच मिल गई, ज्योत ज्योत विच रल गई, मिट्टी मिट्टी विच रल गई, आकाश आकाश विच रल गया, ते फिर मरिया कौन है? रो किसनू रहे हो? रोवन हारे की कवन टेक, रोण वाले दा आधार की है? किन्नू रो रहे हो भाई? मरिया ते कोई है ही नहीं। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी समझा रहे ने कि ऐ मनुख मरिया ते कोई है ही नहीं। सबना मरना आया विछोड़ा सबना, पुछो जाए सियाणिया आगे मिलन के ना, जिन मेरा साहिब विसरे वडड़ी वेदन तिना, पीसा लाहेओ साचा सोए, जाकी नदर सदा सुख होए, सबना दाता एक तू मानस दात न होए, जो तिस भावे सोथिए रन के रुन्ने होए। गुरु साहब कहिंदे ने धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी सोरठ राग दे विच, भई जदों सारा कुछ अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म विच हो रहा है तो फिर रोण का फायदा की है? किनू रो रहे हो? किसनू रो रहे हो? रोण का फायदा की है? क्योंकि कौन मुआ रे कौन मुआ, मरिया तो कोई है ही नहीं है।
जीव आत्मा जिहड़ी है जिहड़ी साडी अंदर जोत है हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पाउण वजाया। जिहड़ी जोत परमात्मा ने यह साडे शरीर रूपी गुफा दे विच रखी सी जिहदे करके आ साडा वाजा वज रहा असीं बोल रहे हैं इहनूं वाजा वजणा ही कहिंदे आ ठेठ पंजाबी विच। आ जिहड़ा साडा वाजा वज रहा जो असीं बोल रहे हैं ये जोत दे कारण वज रहा। जदों जोत अंदरों निकल गई तो वाजा बंद हो गया पिछों कनैक्शन टुट गया पानी पानी विच विलीन हो गया जीव आत्मा परम जोत दे विच विलीन हो गई है मिट्टी मिट्टी विच रल गई है तो मरिया तो कोई है ही नहीं। पंचम पातशाह कहिंदे ने फिर रोवण हारे की कवन टेक भी तेरा रोण का आधार की है किस कारण रो रहा है। अगली किछ खबर ना पाई जड़ा रो रहा है ना उन्हूं ये नहीं पता कि अगे की होने वाला है एवें ही रोई जा रहा है पता ही नहीं कि मैं किन्नू रो रहा तो क्यों रो रहा है। रोवण हार पे ऊठ सिधाई गुरु साहब कहिंदे ने जड़ा किसे नू रो रहा सी ना उन्हूं ये नहीं पता कि कुछ दिनों बाद वह भी संसार विचों चला जाना है तो चला भी जाता है। रोण वाला भी जड़ा दूसरे नू रो रहा सी वह भी चला गया है उन्हूं पता ही नहीं कि मैं क्यों रो रहा है। भरम मोह के बंध है बंध सतगुरु कहिंदे ने कि मनुख जड़ा है मोह माया दे बंधना दे विच बज्जा होया है सुपन भया पखलाए अंध। ये जड़ा जीव आत्मा ते शरीर जड़ा है ना इहदा संबंध जड़ा है ना धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने एक सुपने की तरह है जो सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहिंदे ने संसार जड़ा है सुपना है जीव आत्मा ते साडे शरीर का संबंध केवल इन्ना ही है जिवें साडे नाल एक सुपने का संबंध है। आपां सुते हुंदे आ सुपना आउंदा है बड़ा कुछ दिखाई देंदा है पर जिवें ही नींदर खुलदी है सारा कुछ खत्म हो जाता है। यह संसार सुपने की न्याई है सच्चा सदीवी अटल सदा रहने वाला केवल ते केवल परमात्मा है अकाल पुरख वाहिगुरु है। सुपन भया पखलाए अंध माया मोह दे बंधना दे विच मनुख अन्ना होया है ते एवें ही बरड़ा रहा है उन्हूं समझ ही नहीं है कि मैं किस नूं रो रहा है क्यों रो रहा है क्योंकि रोण वाली ते कोई चीज ही नहीं है। ये तो रचन रचिया करतार ये संसार जिहड़ा है ना अकाल पुरख वाहिगुरु ने सारी खेड उन्ने रचाई हुई है संसार दे जीव पैदा करके बनस्पति पैदा करके पहाड़ पैदा करके फल फूल पौधे पैदा करके ये सारा उदा रचिया होया एक उदी एक खेड है आवत जावत हुक्म अपार उदा अटल हुक्म अनुसार ही सारा संसार जम रहा है सारा संसार मर रहा है। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं। जदों उदा मन करदा है अनेक जीव पैदा कर देंदा है जदों मन करदा है अपने फुरने दे नाल ही सारे संसार नूं खत्म कर देंदा है। चौपाई साहब दे विच आपां रोजाना पढ़दे हां ये तो रचन रचिया करतार आवत जावत हुक्म अपार नै को मुआ नै मरने जोग। ये जीवात्मा नहीं मर सकता क्योंकि यह मरण जोगा नहीं है नै बिनसे अविनाशी होग क्योंकि इहदा जिहड़ा असला है ना परमात्मा वह अविनाशी है तो फिर जिहदा असला नहीं मर सकता तो उहदी जोत भी नहीं मर सकती। जो ये जाणो सो ये ना है जो तुसी मनुखी शरीर नूं जान रहे हो ये वो नहीं है जीवात्मा नूं तुसी जानिया नहीं है। जानन हारे को बल जाओ जिन्हें जान लिया है गुरु साहब कहिंदे ने उस तो मैं बलहारे सदके वार नहीं जांदा हाँ कहो नानक गुर भरम चुकाया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने गुरु साहब ने कृपा कीती है ते मेरे मन दे सारे भरम जिहड़े ने वह दूर कर दिते ने ना कोई मरे ना आवे जाया। जिस मनुख ने गुरु दे इस अकाल पुरख दे इस अटल हुक्म नूं मन लिया है समझ लिया है
वह मनुख ना कदी जमदा है ना कदी मरदा है। जम्मण मरण दे गेड़ तो बंधना तो वह मनुख मुक्त हो जाता है जिहड़ा गुरु की चरण शरण दे विच आ जाता है, जिहड़ा गुरु का पल्ला फड़ लैंदा है, जिहड़ा गुरु की टेक लै लैंदा है, जिहड़ा गुरु वाला बन जाता है। अमृत पान करके पंजां ककारां दी रहत, पंजां बाणियां दा नितनेम, अमृत वेले दा जागना, संगत विच बैठ के सिमरन करना, कीर्तन सुनना, पाठ सुनना, कथा सुननी, ऐसा जीवन जदों किसे सिख दा बन जाता है तो गुरु साहब कहिंदे ने फिर वो जम्मण मरण दे बंधना तो मुक्त हो जाता है, गुरु दे नाल एक मिक हो जाता है। सतगुरु बख्शिश करन, समा हो चुका है इतनी सेवा प्रवान करनी, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्श देनी सारी संगत दा। धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दा कोटान कोट शुक्र धनवाद। निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।